हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनमोहन। स्वागत है आपका फिर एक आर्डिनो के वीडियो में। आज हम आर्डिनो की मदद से एक टोन जनरेटर बनाएंगे, एक स्पीकर का यूज़ करेंगे। 8 ओम का ये स्पीकर है और इसको हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 11 पर। ठीक है, एक वायर को पिन नंबर 11 पर कनेक्ट करना है, दूसरे को ग्राउंड पर कनेक्ट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सर्किट है। हम आज केवल एक मेलोडी जनरेटर बनाएंगे। मारियो नाम का एक गेम हुआ करता था, टीवी गेम, ठीक है, उसका जो टोन है वो आज हम प्ले करेंगे इस आर्डिनो की मदद से। ठीक है, एक फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, एक टोन जनरेटर है, एक आवाज़ ये जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसको यूएसबी केबल के थ्रू कंप्यूटर से जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोड को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोड है, पूरा काफ़ी बड़ा कोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी बड़ा कोड है। ये पूरा कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा वेब पेज का, ठीक है, ब्लॉग का, और उस ब्लॉग के ऊपर पूरा कोड ही आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और एक ब्लैंक स्केच फाइल ओपन करेंगे यहाँ पर, और उसमें पेस्ट करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बोर्ड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं आर्डिनो ऊनो, और पोर्ट अभी यहाँ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा आर्डिनो कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूँगा यहाँ पर पोर्ट शो होने लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक केबल लगाता हूँ, इसका लाइट जल गया है, और इसको वापस टूल्स में ओपन करूँगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉम पोर्ट आ गया है। ओके, कॉम पोर्ट आपके कंप्यूटर में डिफरेंट हो सकता है। और ये अपलोड का बटन है, इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। जैसे अपलोड का बटन दबाते हैं यहाँ पे देखेंगे ये ग्रीन कलर की फिलर लाइन यहाँ से चलेगी, कोड पहले कंपाइल होगा और फिर अपलोड होगा। ठीक है, अपलोड होने के बाद यहाँ पर मैसेज आ जाएगा नीचे की तरफ स्टेटस बार में कि कोड अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए डन अपलोडिंग। ओके, तो डन अपलोडिंग के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको पावर देकर दिखाता हूँ किस तरह की मेलोडी ये जनरेट करता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको फिर से पावर दे रहा हूँ, और अभी सुनिए इसका साउंड। आई होप प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आर्डिनो की प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, आर्डिनो के प्रोजेक्ट दिखाए जाते हैं, और नोड एमसीयू की प्रोग्रामिंग के लिए अलग एक चैनल हमने ऑलरेडी बना रखा है जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है नोड एमसीयू की। और हम बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं रसबेरी पाई, जो कि पाइथन लैंग्वेज पर भी होगा और आर्डिनो आईडी पर भी इसकी प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी। तो चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन सभी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द समर कैंप शुरू होने वाले हैं आपके लिए।